योग नमस्कार से आप अपनी रीढ़ को फिर से दुरुस्त कर सकते हैं। इसका पूरे शरीर पर चहुमुखी असर होता है। योग नमस्कार अपने आप में एक शक्तिशाली प्रणाली है। यह रीढ़ की कमर वाले हिस्से को जबरदस्त तरीके से सक्रिय करता है। रीढ़ के साथ की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हुए उसे इस तरह सुदृढ़ करता है कि उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ कमजोर ना हो। रीढ़ में कमजोरी आने से तांत्रिकाओं में चुभन होती है। अगर पहले से नुकसान शुरू हो चुका है तो योग नमस्कार से आप अपनी रीढ़ को फिर से दुरुस्त कर सकते हैं। इसका पूरे शरीर पर चहुमुखी असर होता है। योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है। योग नमस्कार का अभ्यास करने के लिए आपको हल्के पेट होना चाहिए। इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद आप करीब 1.5 घंटा रुकें। अब हम योग नमस्कार सीखेंगे। इस अभ्यास में 7 चरण हैं। वो एक पूरे चक्र का प्रदर्शन करके दिखाएंगे। कृपया ध्यान दें। अपने पैरों को आरामदायक दूरी पर और एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल रखकर खड़े हो जाएं। आंखें खुली। अपने सामने एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपका ध्यान स्थिर हो जाए तब अपने हाथों को अपनी छाती के सामने नमस्कार की स्थिति में ले आएं। यह शुरुआती स्थिति है। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं, जिससे कि आपकी हथेलियों का निचला हिस्सा आपकी गर्दन के पीछे आ जाए। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को अपनी छाती के आगे नीचे की ओर ले जाएं। यह पहला चरण है। आप इसे 2 बार और करें। दूसरा चरण। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने गले के गड्ढे से आवाज निकालें। तीसरा चरण। हर समय उंगलियां साथ में और सीधे ऊपर की दिशा में होनी चाहिए, तब भी जब आप अपने हाथों को अपनी गर्दन के पीछे ले जाएं। अपने हाथों को ऊपर ले जाते समय सांस पूरी तरह से अंदर लें। जब आप हाथों को नीचे ले जाएं, सांस को आवाज के साथ पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। यह 3 बार करने के बाद आपको सीधा नीचे बैठ जाना है। चौथा चरण। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे गर्दन के पीछे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को अपनी छाती के सामने नीचे की ओर ले आएं। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। उंगलियां बाहर की दिशा में होनी चाहिए। सांस बाहर छोड़ते हुए आवाज निकालते हुए अपने हाथों को अपनी छाती की ओर ले आएं। यह 3 बार करें। पांचवा चरण। सांस अंदर लेते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को अपनी गर्दन के पीछे नीचे ले जाएं। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी छाती के सामने नीचे। सांस अंदर लेते हुए सीधा अपने सामने की ओर, सांस बाहर छोड़ते हुए वापस अपनी छाती की ओर। एक बार फिर से। छठवां चरण। सांस अंदर लें, हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ें नीचे। सांस अंदर, हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ें नीचे। सांस अंदर लें, हाथ सीधे बाहर, सांस बाहर छोड़ें हाथ छाती की ओर। अब 7वां चरण। सांस अंदर लेते हुए हाथों को सीधे बाहर की ओर धकेलें। अपने घुटनों को जमीन से लगा दें। आगे झुकें और अपने माथे को जमीन से लगा दें। अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अपनी हथेलियों को जमीन से लगा दें। अपने हाथों को इस तरह जोड़ें कि आपके अंगूठे और पहली उंगली एक त्रिकोण बनाते हुए एक दूसरे से छू रहे हों। आपकी कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई होनी चाहिए। यह बालासन है।
यहाँ पर तब तक रुकें जब तक आपकी सांसें स्थिर ना हो जाएं, या फिर कम से कम 2 मिनट तक रुकें। फिर धीरे से खड़े हो जाएं और शुरुआती स्थिति में वापस आ जाएं। यह योग नमस्कार का एक चक्र है। हम कुछ परिवर्तनों व सुधारों को देखेंगे। अगर आपको बैठने में परेशानी हो रही हो तो आप अपनी एड़ियों के नीचे आधा या 1 इंच मोटा सहारा रख सकते हैं और फिर बैठ सकते हैं। यह ध्यान रखें कि आपके पैर अब भी एक दूसरे से समानांतर या पैरेलल हैं। अपनी हथेलियों को सिर के पीछे ले जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि हथेलियां पीछे की ओर न मुड़ें। उंगलियां सीधे ऊपर की ओर होनी चाहिए। सिर नीचे की ओर झुक सकता है। सिर सीधा होना चाहिए। हाथों को बहुत जल्दी और बिना ध्यान दिए ऊपर नीचे न ले जाएं। ऊपर और नीचे जाते समय बाहों में थोड़ा सा खिंचाव होना चाहिए।